और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। रुख करेंगे खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बलरामपुर को बड़ी सौगात दी। दरअसल 9,800 करोड़ रुपए की लागत से तैयार सरयू नहर राष्ट्र परियोजना का उद्घाटन किया गया। ये योजना 25 लाख किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने वाली होगी, जिससे 25 लाख टन अतिरिक्त अनाज पैदा होगा। चालीस वर्षों का इंतजार को समर्पित कर बटन दब गया और बटन दबने के साथ साथ शिलापट का अनावरण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बलरामपुर को आज बंपर सौगात दी है। पीएम ने 9,800 करोड़ रुपए की लागत से तैयार सरयू नहर राष्ट्र परियोजना का उद्घाटन किया। इस परियोजना के जरिए 29 लाख किसानों को फायदा मिलेगा। नहर परियोजना का उद्घाटन करने के बाद जब पीएम ने मंच संभाला तो जनरल बिपिन रावत को फिर नमन किया गया। उन्होंने कहा कि जनरल रावत जितने जाबाज थे, सेनाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जितनी मेहनत कर रहे थे, देश उसका साक्षी रहा है। बिपिन रावत आने वाले दिनों में अपने भारत को नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ते हुए देखेंगे। भारत दुख में है, लेकिन दर्द सहते हुए भी हम ना अपनी गति रोकते हैं और ना प्रगति रोकते हैं। पीएम ने कहा कि यूपी के सपूत देवरिया के रहने वाले ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह जी का जीवन बचाने के लिए डॉक्टर जी जान से लगे हुए हैं। मैं मां पाटेश्वरी से उनके जीवन की रक्षा की प्रार्थना करता हूं। देश आज वरुण सिंह जी के परिवार के साथ है। जिन वीरों को हमने खोया है उनके परिवारों के साथ है। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने किसानों के लिए कई तोहफों का ऐलान करके साथ ही विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कुछ लोगों का काम सिर्फ फीता काटना होता है। हो सकता है उन्होंने इसका फीता भी बचपन में काट दिया हो, लेकिन हमारी सरकार का काम प्रोजेक्ट को सही समय पर पूरा करना है। हम सिर्फ फीता काटने पर विश्वास नहीं करते हैं।